हेलो मित्रों, स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 9 में। और इस पार्टिकुलर लेक्चर में इन टॉपिक का जो डिस्कशन हमने किया, सो वी ट्राई टू कंटिन्यू द डिस्कशन एंड वी ट्राई टू वाइंड अप। ओके, सो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस देखा था, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए इन टॉपिक चेंज कर कैलकुलेशन की बात करी थी। सो फिर से मैं बताऊंगा कि जो आपको इन टॉपिक है दैट इज स्टेट फंक्शन। सो वी जनरली टॉक अबाउट इन टॉपिक चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इन टॉपिक की बातें हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे हमने देखा था जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, सो वी यूज टू टॉक अबाउट द चेंज इन द वैल्यूज बिकॉज वी आर अनेबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये तो हम बातें हर बार हमने जितने भी फंक्शंस थे उसके लिए करी थी। तो हमने डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बातें करी थी। तो आज हम लोग उसी तरीके से एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे या क्या सिचुएशन बनता है, इसकी बातें करते हैं। फिर हम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने सराउंडिंग्स की ज़्यादा बातें नहीं करी थी, पर आज हम लोग सराउंडिंग्स की भी बातें करेंगे। सो सबसे पहले जब हमने थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करी थी, सो वी वेयर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। तो आपने बोला था कि हमारे पास क्या है कि अगर आप बात करते हो सिस्टम की, अगर सिस्टम में सराउंडिंग को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है बताएंगे क्या? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये आपका क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स बनता है, क्लियर। और यूनिवर्स बन रहा है तो अगर मैं पूछूं कि अगर हम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करें या टोटल एंट्रोपी की बात करें तो टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप सिंपल सी बातें बताओगे कि सर किसी तरीके से अगर हम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर लें, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम कैलकुलेट कर लें, एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग कैलकुलेट कर लें, दोनों को जोड़ दें तो वही जो आपका जो वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू आएगा, दैट इज द एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स, या आप बोल सकते हो टोटल एंट्रोपी चेंज, क्लियर। सो व्हाट यू कैन राइट, डेल्टा एस यूनिवर्स लिख सकते हैं और डेल्टा एस टोटल, सो आई राइट डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल दैट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स, सिस्टम को भी और सराउंडिंग्स को, दोनों को हम का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर देखें तो वो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स, क्लियर। इस तरीके से बातें कर सकते हैं कि अगर किसी तरीके से ये कैलकुलेट किया जाए, ये कैलकुलेट किया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज की बातें हम कर सकते हैं, फाइन। एंट्रोपी चेंज की बातें जब कर ही रहे हैं तो फॉर्मूला जो हमने लिखा था क्या याद है, डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, या अगर आप बात करो किसकी, डी एस, यानी कि स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं तो आपने क्या बोला था, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो तो यू गेट इट क्यू रिवर्सिबल, सिंपल कॉन्स्टेंट एनर्जी, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है ये इसके साथ भी किया जा सकता है, इसके साथ भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब यहां से आपको प्रोसेस को समझना, फिर से हम रिवर्सिबल प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस का जो बेसिक जो आइडिया था उसकी बातें करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल हो रहा है या कोई भी प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस है? इसके लिए क्या है, बेसिक तरीका है, बेसिक आइडिया आप अपना सकते हैं क्या, कि अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, और कोई प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है इसका मतलब दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। सो आप चाहो तो लिख सकते हो कि द फास्ट प्रोसेस, फास्ट इंडिकेट्स दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड स्लो प्रोसेस इंडिकेट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ओके। कैसे स्लो प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि हुआ फिर थोड़ा सा हुआ फिर थोड़ा सा हुआ फिर थोड़ा सा हुआ, तो जो क्या है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है,
स्लो प्रोसेस का मतलब है कि बहुत धीरे 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 हो रहा है। आपके पास इनफ टाइम है कि आप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचिए और उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज द फास्ट प्रोसेस, वॉट इज हैपनिंग, यू डोंट हैव टाइम। आप इनिशियल पोजिशन देखें और जब दूसरी बार आंख खोला तो फाइनल पोजिशन दिखा। सो द प्रोसेस इज इ रिवर्सिबल क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है उस प्रोसेस के पास पहुंच के रिवर्स करने का। क्लियर? दैट इज द रिवर्सिबल, इ रिवर्सिबल। इसकी बात हम इतनी बार कर चुके हैं तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है, फाइन। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको एक और तरीका है, जैसे इसको इस जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं बार बार यूज भी करूंगा। कि जैसे एक मान लीजिए ये कोई आपने गैस सिलेंडर आपके घर में होगा, सबके घर में गैस सिलेंडर होता है, तो आप क्या करो, स्मॉल होल इन गैस सिलेंडर, आपने पता है कि वो क्या होता है, आपका जब भी गैस लीक करता है, जब भी गैस लीक करता है, यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग से बात हम करने जा रहे हैं, तो जब भी गैस लीक करता है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो होल होता है, स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो गैस जो लीक होता है, अगर वो आपका जो पार्टिकुलर कंपाउंड जो स्मेल करता है अगर वो ना मिलाया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद आकर देखोगे आपको सिलेंडर खाली मिलेगा, ठीक है। या अगर इसकी सिलेंडर की बात छोड़ दें, या मान कोई कंटेनर है, तो कंटेनर में अगर आप छोटा सा होल करो तो क्या होगा, धीरे धीरे गैस बाहर आएगी, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप बैठोगे वहां पे देखोगे क्या हो रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है। हाँ, एक घंटे बाद आओगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम मिलेगा, दो घंटे बाद आओगे तो और वॉल्यूम आपका कम मिलेगा। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मीन्स प्रोसेस हो रहा है, बट प्रोसेस इज वेरी स्लो। वन थिंग आप इसको समझिए, मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब क्या है, प्रोसेस बहुत स्लो है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट वॉट यू आर एबल टू मेजर इज दैट सिस्टम। आप सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉटल मैंने रखा और मैं एक घंटे बाद आके बॉटल को मेजर कर पाऊंगा, सराउंडिंग्स को मेजर नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रोसेस ऑफ सिस्टम इज रिवर्सिबल बट द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग्स इज इरिवर्सिबल। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि जो डब्बा है वो खाली होने में 10 मिनट लेता है। तो आप यहाँ पे एक बैठो, 0 मिनट में देखा, 0 मिनट में क्या हुआ, आपने देखा कि डब्बे का वॉल्यूम वी है। 10 मिनट के बाद आपने देखा तो डब्बे का वॉल्यूम क्या है, 0 हो गया है, मतलब सारा गैस निकल के सराउंडिंग्स में चला गया है, बोल सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि जीरो टाइम पे जो सराउंडिंग्स का जो वॉल्यूम था, सराउंडिंग्स का वॉल्यूम वी डैश था, और 10 मिनट बाद उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वी डैश प्लस वी हो गया है। ये वी क्या है, जो डब्बे से वॉल्यूम निकल के बाहर आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। पर इन बिटवीन हम कुछ नहीं बता सकते, इन बिटवीन हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन आप डब्बे के सामने बैठे हुए थे तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये बोल सकते कि रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो है, बट आप इस वो 0 मिनट से 10 मिनट के बीच में सराउंडिंग्स के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। आप उस डब्बे को मेजर कर पा रहे हो, डब्बे को मेजर कर पा रहे हो, तो आप डब्बे के बारे में बता रहे हो कि हाँ सर जी, 1 मिनट के बाद मैं आया तो इतना हो गया, 2 मिनट के बाद आया तो मैं टाइम के बाद आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज दिख रही है मुझे। पर आप जब उस डब्बे को भूल जाइए, आपका मन करके सिस्टम को नापना शुरू कीजिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या है, सिस्टम के बारे में आप कब बता पाए, 0 मिनट पे, और उसके बाद सीधा आपने बताया 10 मिनट, यानी कि आपने बात की फाइनल स्टेट की और इनिशियल स्टेट की। और फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की बात हम किसके लिए करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो आप क्या लिखना है कि जो सराउंडिंग्स होता है वो प्रोसेस कौन सा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक। तो सराउंडिंग्स का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल। तो आप क्या कीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूं, आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और चीजों को नोट भी करते चले जाइए, क्लियर। तो जो आपका सराउंडिंग्स का जो प्रोसेस हो गया वो क्या होगा, इरिवर्सिबल नेचर का। सिस्टम क्या हो गया, रिवर्सिबल भी हो सकता है, अगर बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है तो आपका क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर होगा, और बहुत फास्ट चल रहा है तो इरिवर्सिबल नेचर का होगा, ठीक है। सराउंडिंग्स कैसा होगा, सराउंडिंग्स इरिवर्सिबल नेचर का होगा, क्योंकि सराउंडिंग्स के बारे में आप या तो इनिशियल पॉइंट पे बात कर सकते हो क्योंकि आप डब्बे को मेजर कर पा रहे हो, और या फाइनल पॉइंट पे बात कर रहे हो जब डब्बा पूरा खाली हो गया है, ठीक है। इसके बीच की बात है, हम सराउंडिंग्स को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये मैंने बात की। तो क्या है कि जब आप किसकी बात कर रहे हो, अब देखिए क्या है,
आपने इस कंटेनर में स्मॉल होल किया, उसकी फिर से मैं आता हूं, जब आपने स्मॉल होल किया तो प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे आ रहा है, रिवर्सिबल। जब आपने बड़ा सा होल किया तो प्रोसेस बहुत तेजी से बाहर निकल गया, गैसेस बहुत तेजी से बाहर निकल गए, तो क्या होगा, प्रोसेस इरिवर्सिबल। ठीक है, तो दूसरी चीज आप देखेंगे कि सिस्टम कैन फॉलो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट सराउंडिंग्स फॉलोस इरिवर्सिबल पाथ, बट सराउंडिंग्स फॉलोस इरिवर्सिबल पाथ। एक चीज ये हो गई। अब देखिए क्या है, अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम रिवर्सिबल प्रोसेस, हमारे पास दो प्रोसेस हैं तो घुमा फिरा के इन्हीं की बातें करते हैं। तो मान लीजिए कि जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा था तो आपका सिस्टम ने क्या क्या क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया तो डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो क्यू सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट किया ही जाएगा। तो हम इसको आर्बिट्रली क्या करते हैं, लेट अस टेक Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपका सिस्टम में रिलीज किया और सराउंडिंग्स को कितना मिला, Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी। Q1 may be equal to Q2, Q1 may not be equal to Q2। ठीक है, तो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता है एंट्रोपी लिखने का तरीका। सो अगर हम बोले इस हिसाब से देखें तो एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना, क्यू सिस्टम Q1 डिवाइडेड बाय T, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, और क्या हो जाएगा सराउंडिंग्स, ये क्या हो जाएगा Q2 बाय T। ठीक है, और अगर आपको S टोटल लिखना है तो डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग्स लिखना पड़ेगा। सो अगर आपको डेल्टा S टोटल पता चाहिए करना है, सो व्हाट यू विल राइट, Q1 बाय T प्लस क्या होगा Q2 बाय T एंड विथ साइन। मैंने यहाँ पे आपको बताया बाहर निकल रहा है अंदर निकल रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता पहले ही कर लीजिए कि एग्जैक्टली Q के साथ हो क्या रहा है, ये तो आराम से आप पता कर सकते हो कि ये जो मैंने लिखा है कि ये Q1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, इसके आधार पर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको टोटल निकालना हो तो क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये Q1 बाय T बाय Q2 बाय T, फिर से हमेशा याद रखेंगे ये जो क्या है रिवर्सिबल, Q1 रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q1, ये क्या होगा, ये Q1 रिवर्सिबल हो जाएगा, और ये क्या है Q2 ऑफ Q2 बाय T आराम से कर सकते हैं। अब जो है हम स्पेसिफिकली किसी प्रोसेस की बात करते हैं, अभी तो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को ऐसे ही बाहर से देखा है, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो वही बातें करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो रहा होगा, प्रोसेस क्या हो रहा होगा, बहुत ही स्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जितने भी हीट है, जैसे यहां पे बात की, प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा, ठीक है, इतना स्लो हो रहा, इतु से एनर्जी रिलीज किया, सराउंडिंग्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि एनर्जी और हीट लेट्स राइट ऑल द हीट, all amount of heat released by system is absorbed by surroundings, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया गया, ठीक है, सिस्टम के द्वारा, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है,
प्रोसेस स्लो है, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट निकली यहां से सबके सब इसने ले लिया, क्लियर? उसको समय मिल रहा है, वो बैठा हुआ है, वो बैठा आंख बंद के बैठा हुआ है, आई ले लिया, एक रुपया ले लिया, दो रुपया ले लिया, तीन रुपया ले लिया, ठीक ऐसे कर। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया जा रहा है सिस्टम से, प्लीज अंडरस्टैंड रिवर्स वर, आई लाइक आई पुट ए रेड डब्बा कि ये जो प्रश्न है कभी कभी नॉर्मली सिंपली पूछ लिया जाता है कि रिवर्सिबल पाथ में एंट्रोपी चेंज क्या होता है, आई विल टेल यू। ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया गया सबके सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया किसके द्वारा, सराउंडिंग्स के द्वारा, ठीक है? तो आप क्या बोल सकते हो कि जितना एंट्रोपी यहां पे इंक्रीज, जितना एंट्रोपी क्या है इंक्रीज हुआ यहां पे, उतने एंट्रोपी डिक्रीज हुआ, ठीक है? तो जितना क्यों क्या होता है डेल्टा एस क्या होता है, मैग्नेटिक क्यू बाई टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका जितना हीट रिलीज हुआ है यानी इसका जितना एंट्रोपी बढ़ा है उतने इसका एंट्रोपी घटा है, या इसका जितना एंट्रोपी घटा है उतने पर बढ़ा है, या जिसका एंट्रोपी इतना बढ़ा है उसने इतना एंट्रोपी घटा है, नंबर्स तो सेम ही बता रहे हैं। तो क्या बोल सकते हो कि डेल्टा एस टी यानी कि टोटल एंट्रोपी, वेयर इज टोटल एंट्रोपी, हियर, ये क्या है टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो हो रहा है, जितना बढ़ा सिस्टम में उतना ही घट गया सराउंडिंग्स में, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे मेरे पास 100 रुपए आपके पास 100 रुपए, ठीक है, मैंने 50 रुपए आपको दे दिए, तो मेरे पास 50 रुपए आपके पास 150 रुपए, अगर हम दोनों को एक यूनिवर्स बना जाए, आई एम सिस्टम योर यूनिवर्स, सो टोटल पैसा चेंज इज जीरो, इनिशियली अपने पास और आपके पास 100 थे, टोटल पैसा इज 200, क्लियर? अब मेरे पास 50 है आपके पास 150 है, अगेन टोटल पैसा इज 150 + 50 = 200, तो जितने पैसे मैंने आपको दिए आपने उतने ही पैसे लिए, आपने पैसे वेस्ट नहीं किए, तो क्या हो गया कि टोटल चेंज इन पैसा इज जीरो बिकॉज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, यानी कि टोटल चेंज का मतलब ही होता है कि चेंज इन एंट्रोपी बाय सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी बाय सराउंडिंग्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आप बोल सकते हो कि सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कि आप वही यहां पे दिखा सकते हो कि क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू सराउंडिंग्स बाय टी, यानी कि क्या होगा, जितना एनर्जी इसने दिया है, जितनी हीट इसने दी है उतनी ही एब्जॉर्ब की गई है रिवर्सिबल पाथ में, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल पाथ में चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, वो जीरो होता है, चेंज इन टोटल एंट्रोपी टी, चेंज इन टोटल एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल पाथ इज जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि जो अमाउंट ऑफ हीट जो दी जा रही है सिस्टम से उतने ही अमाउंट ऑफ हीट आपको सराउंडिंग्स ले रहा है, या दूसरा बात अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है वो वही है जो आपका सराउंडिंग्स आपको अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स, साइन दोनों का अलग अलग आ रहा है, दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो आ जाए, ठीक है? तो क्या हो गया कि जब भी आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो तो आपका जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है? इसको आप और भी डिफरेंट तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने क्या बताया था, आप ऐसे बता लो, इसको आप मान लो कि एक कोई गैस पिस्टन है, ठीक है, गैस पिस्टन है, तो अब देखिए क्या है, अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल की बात करो तो क्या हो रहा है, मैं वर्क, मैं अगर आप लिटरली में बोलो तो मैं वर्क कर रहा हूं, यानी कि क्या है कि प्रोसेस क्या है, चल रही है, ऐसे नहीं कि प्रोसेस रुक गया है, पर प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, इतना स्लो है आपको अगर अभी बैठो थोड़ी देर बाद आओ थोड़ी देर बाद आओ तो आपको दिखेगा कि हाँ आपको जो पिस्टन है मूव किया है, ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो क्या धीरे 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 इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, क्लियर?
धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रही है। तो जब इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है यानी कि इसके अंदर का एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप बोलो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो है, तो आप बता सकते हो कि ये जितना एंट्रोपी इंक्रीज हुआ इतना ही एंट्रोपी इधर का डिक्रीज हुआ, टोटल एंट्रोपी जीरो। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है? जीरो, नॉट एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज इज जीरो, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर जो हम आगे बात करते हैं इसके और डिफरेंट प्रोसेस की। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगा आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आई होप कुछ लोगों को इसमें डाउट्स होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर आपके पास डाउट्स नहीं है तो समझ लीजिए आपको सीख नहीं रहे हैं। तो डाउट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आपके पास डाउट्स होगा, फंडा ये है कि उस डाउट्स को आप जितनी जल्दी क्लियर कर लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप देखेंगे। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगेन द मोमेंट आई रोट आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है बताइए? डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जीरो क्या बोल सकते हो? सिर्फ अगर बात करते हैं डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और बताइए। हाँ, अब अगर हम बोलें कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं क्या? और सिंस ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल की बात करेंगे तो मुझे याद आएगा कि डेल्टा एस सिस्टम, अगर याद है आप लोगों को, तो क्या होता है एन आर बताइए, लॉन ऑफ क्या होता है वी टू बाई वी वन, या एक और फॉर्मूला था एन आर लॉन ऑफ पी वन बाई पी टू, याद है क्या ये फॉर्मूला? इसका यूज हमने लास्ट लेक्चर में इस पार्टिकुलर फॉर्मूला को निकाला था। तो जब भी आपको ये निकालना हो तो क्या हो सकता, डेल्टा एस सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही कौन है, वी टू बाई वी वन पता कर सकता हूँ या पी टू बाई पी वन पता कर सकता हूँ। तो जब सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा कि एन आर लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन, इस पर क्वेश्चन भी आपको बनाया जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आइसोथर्मल में याद है डेल्टा एस क्या होता है, एन क्या था बताइए, सी लॉन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन, यही था ना। ये वी टू बाई वी वन को आपने क्या किया था, पी वन बाई पी टू कर लिया था जब वहां पर सी पी लगाते थे, ठीक है। पर T2 by T1 हमने हटा दिया क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब T1 is equal to T2, so T2 by T1, ln of T2 by T1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो वो टर्म गायब हो जाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, डेल्टा एस सिस्टम यानी एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, आप क्या बोल सकते हो कि आपका एन आर ln of V2 by V1 हो गया है। तो अब यहां से देखिए, यहां से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा एस सिस्टम निकालना हो या नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग्स निकालना हो, तो ये जो फॉर्मूला है एन आर लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन अप्लाई करके, अगेन वी शुड नो दैट दिस इज ट्रू, ठीक है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल यानी कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स इज जीरो, एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स इज जीरो व्हेन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हेन वी आर गोइंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हेन वी आर गोइंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स इज जीरो, क्लियर है। इसको आप जल्दी से देखें। इसके बाद देखिए क्या है कि जब आपने बात की, इसके अलावा भी हमारे पास और भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे आपको कौन सा है, जैसे आइसोथर्मल की बात आती है आपके दिमाग में एक और प्रोसेस आना चाहिए, कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस
एडियाबेटिक प्रोसेस की बात अगर करो तो बोलोगे सर जी ऐसे कैसे, क्या एडियाबेटिक में तो सर जी हीट एक्सचेंज होता ही नहीं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो तो आप बोलोगे सर जी इसमें तो जो है हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप क्या बोलते हो कि हीट एक्सचेंज ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है तो इधर से इधर या इधर से इधर क्यों नहीं हो, गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप सराउंडिंग्स को देखो तो सराउंडिंग्स में हीट नहीं आ रही है, क्लियर। अगर आप सराउंडिंग्स की बोलो तो यानी कि डेल्टा एस सराउंडिंग्स अगर हम लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर जी डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होता है, क्यू बाई टी होता है और ये आ ही नहीं रहा है, सो डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छी बात है, गुड, दैट्स फाइन। सो क्या होगा बताइए, डेल्टा एस सराउंडिंग्स आपका जीरो हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि क्या आपका डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, क्यों डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि जब डेल्टा एस टोटल होगा बट आप बोलोगे सर जी एक और कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है, आपने बोला हीट जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, ये हीट अंदर नहीं जा रहा है, पर वर्क डन जब होता है सिस्टम पे एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन किया जाता है सिस्टम पे तो क्या होता है, यू नो जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट, जैसे क्या है आपने बोला होगा एक्सपेंशन प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है एनर्जी आपका क्या होता है, जो एनर्जी है वो वर्क डन करने में चली जाती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हुई या कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगी जब एक्सपेंशन को, टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर गया सर जी या टेम्परेचर डिक्रीज कर गया तो क्या है, दैट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो बढ़ रही है एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी आप बता सकते हो हाँ जी सर जी कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है तो वहां पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम आपका हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल पाथ में जो भी जा रहा है उसका क्यू रिवर्सिबल बाय टी करके आप आराम से निकाल सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो, वो भी आपका जीरो आएगा। यानी कि अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो क्या होता है हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है तो सराउंडिंग्स का जीरो हो गया है, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या है रिवर्सिबल पाथ में जीरो होता है, इसकी बातें हमने की है। तो जब डेल्टा एस टोटल इज जीरो वेयर वी हैव रिटन डेल्टा एस सराउंडिंग्स प्लस डेल्टा एस टोटल सॉरी डेल्टा एस सिस्टम विल गिव यू डेल्टा एस टोटल, ये जीरो अभी पता चला एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जीरो, तो जीरो में क्या जोड़े तो जीरो आ जाए तो जीरो जोड़ देंगे, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो आप बात कीजिए, हमने जो थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसके बाद हमने जो रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सल लिख रखा है रिवर्सिबल को हटाएंगे और यहाँ पे इरिवर्सिबल को लाएंगे, यानी कि हमने जो भी रिवर्सिबल की बात की है अब इसकी बातें खत्म करते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इसी तरीके से आप डिफरेंट बातें कर सकते हो, आइसोबारिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस की बात कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील, बट हमें सब ध्यान में क्या रखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बस हमने देखा प्रोसेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात है रिवर्सिबल है तो क्या है, जैसे दिमाग में रिवर्सिबल आया आपको क्या याद होना चाहिए कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस आया है तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत स्लो है तो जितना एंट्रोपी चेंज आपका सिस्टम में आएगा सेम अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज आपका आपकी सराउंडिंग्स में आएगा, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है सिस्टम में तो आपका सराउंडिंग्स का उतना ही एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल एंट्रोपी जो है आपके पूरे यूनिवर्स का वो क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा,
तो ओवरऑल एंट्रोपी कांस्टेंट हो जा रहा है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो आप बोलोगे एंट्रोपी चेंज क्या है, वो जीरो है। कांस्टेंट टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज जीरो। ठीक है, तो आ ये बातें समझने समझ में। अब आप जो है, हम प्रोसेस जो है, अगला जो बातें करेंगे किस प्रोसेस की, वो होगा हमारा कौन सा प्रोसेस, वो होगा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि आपको बताया गया है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, नेचुरल प्रोसेस ने? जैसे आपका मरना, आपका मरना इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत लोग बोलेंगे सर जी मैं तो अश्वत्थामा हूं, मैं मर नहीं सकता। ओके सो आप लोग अश्वत्थामा नहीं हो भैया, आप लोग मर सकते हो। तो आप लोग का जो डेथ है दैट इज यू नो ए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको आप वापस से जिंदा नहीं ले सकते हो। जैसे क्या है कंबशन प्रोसेस, जैसे आपके अंदर हीट जनरेशन होती है, हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है ना, तो सांस लिया गया, वो कहाँ गया, वो छोटे छोटे कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में आपका क्या हुआ, बर्न होता है और जो हीट आपके बॉडी में आती है। दैट्स व्हाई यू आर और वी आर, वी ऑल ह्यूमन डिफरेंट एनिमल्स, सब के सब क्या होते हैं, हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्यों, क्योंकि हम लोग अपने से हीट जनरेट करते हैं, इसलिए आप ठंड में आपका जो शरीर का अंदर का हीट है आपको बचाए रखता है। पर जो भी आपके सरीसृप प्रजाति के जो भी पाए जाते हैं, सांप हो गए, छिपकलियाँ हो गई, दे आर कोल्ड ब्लडेड। सो उनके पास क्या है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे। आप लोग बायोलॉजी के बहुत ही महान ज्ञाता हो, सो जो भी सरीसृप प्रजाति के लोग हैं उनके बाहर के टेम्परेचर के आधार पर उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। इसलिए बोलते हैं कि सांप शायद जमीन के अंदर चला जाता है, कब, विंटर सीजन में, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर गर्म है उसे गर्म मिलता है। अब बहुत सारे सांप मृत पाए जाते हैं ऊपर में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो उनका भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर क्या है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। सो ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस इज वेरी फास्ट। ठीक है, प्रोसेस इज वेरी फास्ट। जब प्रोसेस बहुत फास्ट है तो क्या होगा, आपका प्रोसेस बहुत फास्ट है तो मान लेते ये सिस्टम है, तो जो क्यू बाहर आया दैट इज क्यू वन, या जो क्यू अंदर आया दैट इज क्यू टू, सो दिस क्यू वन इज नॉट इक्वल टू क्यू टू। तो आप क्या बोलोगे, आपका डेल्टा एस है, डेल्टा एस सिस्टम, ये हमेशा क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी एंड डेल्टा एस। सराउंडिंग्स क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्यू ई रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, सिंस अगेन टेम्परेचर तो सेम ही है, तो क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम होगा क्यू रिवर्सिबल बाय टी एंड डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, क्यू ई रिवर्सिबल सिस्टम बाय टी। ठीक है, तो अगर आप टोटल एंट्रोपी लिखना चाहो, क्या होता है टोटल एंट्रोपी, डेल्टा एस टोटल, तो टोटल एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग्स प्लस, लेट्स राइट सिस्टम हियर सो दैट आपको दिक्कत ना हो, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, so this is q reversible by t and this is what plus q e reversible by t। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स एंड डेल्टा सॉरी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स को आप ऐसे लिख सकते हो। ओके ओके सॉरी, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, उल्टा साइन, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा, रियली सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा। मैं साइन पहले ही आपको डाल दिया, मान लीजिए हीट अगर आपको ये हीट अंदर जा रही है, ये हीट बाहर आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। फिर इसके आधार पर भी डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हो, इसकी भी बातें आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, किसकी,
आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। और फिर से हमको कुछ चीजें याद होनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। सो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट है? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की है तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पे क्या है आपका? टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? वही हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग बोलेंगे। और क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल टी आप बात कर सकते हो, ठीक है? तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा जो हमने पढ़ी है चीज उसका भी यूज करते हैं। जैसे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें क्या दो चीजें होती है, एक एक्सपेंशन हो सकता है या आप इसमें क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस हो सकता है। तो दोनों केस लेंगे, दोनों केस लेने वाले हैं, एक्सपेंशन भी और आपका कंप्रेशन प्रोसेस भी। और हमने एक्सपेंशन प्रोसेस में और कंप्रेशन प्रोसेस में याद है वर्क डन देखा था, वर्क डन के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया था, याद होगा आपको? तो फिर से पीछे वाले लेक्चर में अगर आपको याद नहीं हो या पीछे नोट्स को आप जाइए तो वहां पे वर्क डन इरिवर्सिबल एंड वर्क डन रिवर्सिबल हमने कैलकुलेशन किया था इन एक्सपेंशन प्रोसेस। वर्क डन रिवर्सिबल एंड वर्क डन इरिवर्सिबल हमने कंपेयर किया था किसके लिए? कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। तो उसकी उसका हेल्प आज हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है? तो कहां से हेल्प लेंगे? यहां से इसका हेल्प लेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो देखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो क्या होगा बताइए। मान लीजिए आपको हीट एब्जॉर्ब हो गया, बस सिंपल सी बात है, पहले तो फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं, क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ हमेशा हेल्प करता है। डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको अभी समझ में आई है। आइसोथर्मल का सबसे पहला केस हम लेने जा रहे हैं, केस नंबर वन। केस वन क्या लेंगे बताइए? प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन व्हाट डज इट मीन? डेल्टा वी इज जीरो, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। सो दिस डेल्टा वी इज पॉजिटिव, पी इज पॉजिटिव, सो दिस वर्क डन इज कमिंग टू बी नेगेटिव। क्लियर? सो अगर ये नेगेटिव है तो क्यू बताइए क्या होगा? क्यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्यू क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, अब जो है हम कुछ थोड़ा सा रिलेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो अब देखिए क्या है कि अब याद करेंगे जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ था, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ था, तो बताइए कि इन एक्सपेंशन प्रोसेस W यानी कि वर्क डन रिवर्सिबल क्या था? वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा था या कम था? इन एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन रिवर्सिबल इज मोर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। इसको आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए या फिर से प्रोसेस के अंत में चले जाइए। हमने आपको बताया था कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी सिंपली पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वर्क डन रिवर्सिबल इज मोर देन वर्क डन इरिवर्सिबल, समझ सकते हैं क्या? ओके, यानी कि यहां से अगर बात करें क्या है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आर, W आ रहा, क्यों? एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्यों क्या है? क्यों क्या है? माइनस W, वर्क डन क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव हो गया, Q इज इक्वल टू W हो गया, एक्सपेंशन प्रोसेस। सो Q W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, यानी कि Q रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल। Q इज इक्वल टू W, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल, समझ रहे हैं ना बात? ओके, यानी कि Q रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल। अब हम हेल्प लेने वाले हैं यहां से,
क्यों रिवर्सिबल और क्यों इरिवर्सिबल है यहाँ पे, तो इसके हेल्प से आप बोल सकते हो कि क्यों रिवर्सिबल माइनस क्यों इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ज्यादा में से छोटे को घटाएंगे तो जीरो से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। नीचे में टेम्परेचर भाग देते क्या ही फर्क पड़ता है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। सो व्हाट यू कैन से कि डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट है, सॉरी बोल सकते हैं, ये लिखा मैंने, ठीक है ना। ओके यानी कि क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, इन दोनों को जोड़ने पे आता है डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। आपको याद आया कि अभी अभी कुछ देर पहले जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी थी, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है इन आपका यूनिवर्स, यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पर जैसे ही आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस किया तो आपका जो एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज है, वो क्या आ गया है, जीरो से ज्यादा आ गया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, किसमें, जीरो से ज्यादा होता है, या आप बोल सकते हो कि आपका एंट्रोपी इंक्रीज करता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये तो आपके एक्सपेरिमेंट, आपको यही चीज मैं बता दूंगा, केस टू की बात ले लीजिए, केस टू ले लीजिए, किसकी, एक्सपेंशन लिया तो कंप्रेशन भी ले सकते हैं, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में क्या होगा बताइए, कंप्रेशन में क्या है आपका वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो डेल्टा वी जब नेगेटिव होगा तो पी डीवी क्या होगा, माइनस पी डीवी क्या होगा बताइए, माइनस ऑफ पी डीवी, तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस पी डीवी पॉजिटिव आएगा, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव माइनस एंड, सो आपका जो क्यू यानी हीट का जो शाइन है वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यानी क्या क्या बोल सकते हो, कहां से फिर से वही बात करते हैं, क्या कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन इरिवर्सिबल क्या था, वो ज्यादा था वर्क डन रिवर्सिबल से, अगर आपको याद हो तो, क्या है कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन इरिवर्सिबल ज्यादा था वर्क डन रिवर्सिबल से, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इरिवर्सिबल, तो जो वर्क डन है आप ऐसे बोल सकते हो W इज इक्वल टू माइनस क्यू, बोल सकते हैं क्या, इस रिलेशन से बोल सकते हैं, तो अगर W रिवर्सिबल बोले तो माइनस ऑफ Q रिवर्सिबल, W इरिवर्सिबल बोले तो माइनस ऑफ Q रिवर्सिबल, तो मैं लिखता हूं W इरिवर्सिबल को माइनस ऑफ Q इरिवर्सिबल ग्रेटर देन माइनस ऑफ Q रिवर्सिबल। अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, अगर साइन को हटाते हैं, नेगेटिव साइन को अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू ई रिवर्सिबल इज लेस देन क्यू रिवर्सिबल। और ये अगर सिचुएशन आया है तो आप बोल सकते हो इस सिचुएशन से क्या, कि क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू ई रिवर्सिबल, दैट मीन्स कि क्यू रिवर्सिबल माइनस ऑफ क्यू ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन जीरो। और इसको अगर फिर से ध्यान से देखेंगे तो नथिंग बट क्यू ऑफ सिस्टम प्लस क्यू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स प्लस डेल्टा ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, और यहां से भी डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आता है कि जब आप एक कौन से सिस्टम की, कौन से प्रोसेस की बात करते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो, तो इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आपका सराउंडिंग्स और जो सिस्टम है दोनों को जोड़ने पे जो टोटल एंट्रोपी आती है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज करती है, या टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो टोटल एंट्रोपी क्या होती है, आपका इंक्रीज करता है, जब किसकी बात करते हो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे होते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज वो क्या होता है, जीरो से ज्यादा होता है, इनकी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक रिजल्ट है इसको मैंने मतलब तरीके से बताया, तो क्या है सिंपल, इस पे क्या है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बना देते हैं,
इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें टोटल एंट्रोपी इंक्रीज करता है? एक आपका क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस, तीसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। टिक दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर जो है हम आगे की बात करने जा रहे हैं और भी डिफरेंट प्रोसेस यानी कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बातें करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हटाइए और आगे बात करते हैं एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इन सारे प्रोसेस से एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आपको साफ हो जाएगा कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अंत में इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब आखिर कहना क्या चाहता है। तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखिए क्या है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्यू ऑफ सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से बताया कि क्यू ऑफ सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब क्यू ऑफ सराउंडिंग्स जीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स जीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम क्या होता है, जो इन्हें कि सिस्टम क्या है, इनर्जी जो आप बोलते हो वर्क डन से भी तो एनर्जी हो सकती है। मान लिया वर्क डन ऑन द सिस्टम किया गया तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो क्या है, सो क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल बाय T होगा, तो ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर आप डेल्टा S टोटल की बात करो, सो दिस इज डेल्टा S सराउंडिंग्स प्लस डेल्टा S सिस्टम, सो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस क्या होगा, Q रिवर्सिबल बाय T, सो अगेन दिस इज पॉजिटिव। तो क्या बोल सकते हो कि डेल्टा S टोटल इज अगेन ग्रेटर देन जीरो फॉर फिर से कौन से प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यही बातें बार बार की जा रही है कि एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। किस केस में, आपके टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू जीरो होता है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में। इसके लिए यही तो सेकंड लॉ का बताना चाह रहा था, सेकंड लॉ क्या बोलना चाह, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलना चाह रहा था कि जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, और अगर आप इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते तो आपका टोटल एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहता है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ ऑल द नेचुरल सॉरी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग as all the natural processes are irreversible in nature, all the natural processes are irreversible nature, यानी कि जितने भी natural processes हैं irreversible हैं। तो क्या है, irreversible process में आपका entropy हमेशा क्या होता है, increase होता रहता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो universe का यानी कि total entropy क्या हो जाएगा, total entropy आपका increase होता रहे, ठीक है। तो इसकी बातें कर ली, अब जो है एक last point discuss करने जा रहे हैं, entropy in free expansion, entropy change in free expansion, ठीक है। आज का टॉपिक जो है यहाँ पे हम खत्म करेंगे, चलिए बातें करते हैं फ्री एक्सपेंशन में। फ्री एक्सपेंशन एक्जेक्टली क्या होता है, पी एक्सटर्नल हमेशा जीरो होता है। पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया और दिस मीन्स कि वर्क डन जीरो हो गया, क्लियर। और क्या है, आइसोथर्मल होता है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो आप बोलते हो कि डेल्टा यू होता है वो भी जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो दिस इज जीरो, सो क्या है क्यू जीरो मीन्स व्हाट, क्यू जीरो का मतलब ये है कि इनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा, इनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स नहीं हो रहा। यानी कि आप इसकी हेल्प से ये बता सकते हो कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड डेल्टा एस सिस्टम क्या बोल सकते हो, एन आर क्या बोल सकते हो, लॉन ऑफ क्या बोल सकते हो, वी टू बाय वी, ये तो बता ही सकते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एन आर लॉन ऑफ क्या है, वी टू बाय वी वन से आप एंट्रोपी की बातें कर सकते हो। अब क्या है, ये सिस्टम है, सिस्टम की बात की, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज जीरो, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा टोटल इज डेट दिस इज जीरो, सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो सो दिस इज डेल्टा एस सिस्टम, ये जीरो हो गया एंड दिस इज इक्वल टू एन आर लॉन ऑफ वी टू बाई। तो इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो।